हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका स्वाद का मित्र, स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न बड़ा, बहुत ही शानदार बनके तैयार होगा। कैसे बनाएंगे ये जानने के लिए बने रहिए स्वाद के सफर में। स्वाद के सफर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्वीट कॉर्न बड़ा बनाने की। आप देख सकते हैं ये मैंने एक कप स्वीट कॉर्न लिया है, ये कच्चा ही स्वीट कॉर्न है, इसको हम इसी तरह से यूज करेंगे। एक कटी हुई प्याज यूज करेंगे हम, इसके साथ दो से तीन कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही लेंगे हम दो से तीन बड़े चम्मच बेसन के और दो से तीन बड़े चम्मच चावल का आटा। अगर आपका चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी या फिर पोहे को भी मिक्सी में ग्राइंड करके यूज कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न को एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। जार को करेंगे बंद और इसको हम बगैर पानी के एक बार हम पीस लेंगे। स्वीट कॉर्न को हमने पीस लिया है, चलिए अब इसको ओपन करते हैं और इसको कंडीशन को चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की कोर्स कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इसमें हमने पानी की एक बूंद नहीं डाली है और फिर भी आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पीस गया है, पूरी तरह से फाइन पेस्ट नहीं है। हमें इसी तरह का कोर्स कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। स्वीट कॉर्न के पेस्ट को हमने एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें एक प्याज बारीक कटी हुई, दो से तीन हरी मिर्च, आप स्पाइस को अपने टेस्ट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ डालेंगे हम इसमें दो से तीन बड़े चम्मच बेसन और इस बड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें दो से तीन बड़े चम्मच चावल का आटा। अगर आपका चावल का आटा नहीं है तो आप पोहे या फिर सूजी को मिक्सी में पीस कर इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ्रेशनेस के लिए डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया। अब हम डालेंगे इसमें कुछ बेसिक मसाले, जिसमें कि सबसे पहले डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसको कलर देने के लिए, लाल मिर्च थोड़ी सी। इसी के साथ डालेंगे इसमें चाट मसाला, ये इस बड़े को बहुत ही अच्छा फ्लेवर प्रदान करेगा। अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये मिक्सचर फाइनल हो जाएगा तो आप इसको चेक कर सकते हैं और इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक और मिर्च को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसमें एक बूंद भी पानी की नहीं डाली है और आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी आ जानी चाहिए इसकी। चावल का आटा जो हमने डाला है उससे इस बड़े के अंदर में क्रिस्पीनेस आएगी और बेसन जो है ना इसको एक बाइंडिंग प्रदान करेगा। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लगे तो आप इसमें चावल का आटा और बेसन भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम हाथों की सहायता से इसको आटे की तरह गूंथ लेंगे। ये हमारा एक डो तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसकी बनाएंगे बड़े, मनपसंद आकार में आप बड़े बना सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको दिक्कत हो तो आप अपने हाथों को या तो गीला कर लीजिए या फिर आप इसमें ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, अपने हाथों को ग्रीस कीजिए। ये देखिए, जितना बड़ा रखना है या जितना छोटा करना है, आपको बीच में इसमें होल करना है तो आप होल भी कर सकते हैं, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी और क्यूट शेप का हमने एक बड़ा तैयार किया है। हम बाकी के बड़े भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। बड़े की शेप आप मनपसंद रख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी तरह से ही बनाना है। मैं इस तरह से चौकोर रख रहा हूँ तो आप चाहे तो इसको गोल भी कर बना सकते हैं। ये देखिए, टोटल 8 बड़े हमारे तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बन गए हैं। चलिए अब हम इनको फ्राई करते हैं। स्वीट कॉर्न बड़े को फ्राई करने के लिए हमने एक पैन लिया है, उस पैन में हमने कुकिंग ऑयल लिया है, उसको गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो चलिए अब हम फ्राई करते हैं बड़ों को।
जब भी आप बड़ों को फ्राई करें तो आप इसको मीडियम हीट पर फ्राई करें। अगर आप इसको हाई हीट पर फ्राई करेंगे तो ऐसा करने से बड़े जो है ना बहुत जल्दी ही कलर चेंज कर लेंगे, लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो हम इसको मीडियम हीट पर अलट पलट कर ही फ्राई करेंगे और सारे बड़ों को हम एक साथ फ्राई नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 4 बड़े को फ्राई कर रहा हूँ, जबकि मैंने 8 बड़े बनाए थे। बड़ों को डालने के बाद में आप कुछ सेकंड तक इसको टच नहीं करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन क्रस्ट आया है बड़ों पर, और शेप भी देखिए बिल्कुल भी इसकी ख़राब नहीं हुई है। आपको पेशेंसली इसको फ्राई करना है। जब भी आप बड़े को फ्राई करने के लिए डालें तो 30 से 40 सेकंड तक इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे। एक बार जब बड़े एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तभी हम उसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। बड़े दूसरी साइड से भी फ्राई हो गए हैं अच्छी तरह से। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा लोट भी फ्राई करेंगे। बड़ों को हम टर्न कर देंगे। दूसरा बैच भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया। चलिए अब हम इसको भी निकाल लेते हैं प्लेट पर। ये देखिए कितने शानदार बनके तैयार हुए हैं। चलिए अब हम कर लेते हैं इनकी प्लेटिंग। ये देखिए फ्रेंड, शानदार स्वीट कॉर्न बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। आप देखिए कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और इसका मजा उठाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।